फुलरी अर्थात फूल मान प्रसूत होता है शरीर में हालुका बोध होता है निजुक टिकेना को भल सुखप्रद अनुभव कराए से तैलर नाम है फुलरी तैल जो तैल की महाप्रभु चिकित्सा उपचार इत्यादि प्रथम उपचार कहले अत्युक्ति हेब ना अनवसर समय पंचमी तिथि ओडिया मठ रु आसी थाए श्रीछाम को मान मंदिर गारदे आड़िया मठर महंत और कर्मकर्ता मैंने पहुंचे था जहाँकि एक वर्ष पूर्वर प्रायत तो हेरा पंचमी तिथि मटीर खोलिकी राशि तेल को प्रक्षेप करणिकी ते पोता जाए औषधि संयुक्त कराई चालीस प्रकार वनजात द्रव्य एवं सुवासित तो पुष्प मान ताधेरे प्रक्षेप आकार रे दिया जाय था एवं ताकु छाणिकी गोटे वर्ष पर महाप्रभुंकर देवस्नान पूर्णमी पर पंचमी तिथि ताकु श्रीक्षेत्र को अणा जाय था श्रीमंदिर भितर को अणा जाय था ता होची फुलुरी तेल ता शरीर में महाप्रभुंकर सियंग रे अभ्यंग करा जाए अर्थात तैल को मालिश करने द्वारा ज्वराक्रांत महाप्रभु टिके शरीर में चिकित्सा आनंद बा शांति प्राप्ति होता है तैलर नाम फुलुरी तेल यह पंचमी तिथि महाप्रभु को जो प्रकरण गुड़िकाए अणसर घर भितर जोटा कि दईता पति दईता और पति महापात्र द्वारा कराई कार्य गुड़िक जो रही है जमीती कि दशमी में दशमूल पाचन राजवैद्य द्वारा प्रस्तुत करोदक महाप्रभु खाई था ज्वर उपचार पाईका एवं खड़ी लगी एकादशी खड़ी सर्वांग मुग को बटा होकर गोटे स्वतंत्र खड़ी प्रसाद या खड़ी प्रसाद शुद्ध सुहार सेवक मैंने जगे था एकादशी तिथि खड़ी लगी अनेक उपचार महाप्रभुंकर जहाँफल कि क्रमान्वय पर्याय क्रमे महाप्रभु आस्ते आस्ते आरोग्य लाभ करपरी गोटे मनुष्य तार शरीर असुस्थ समय तार किसी तेल मालिश पर लोक कर ज्वर मुक्ति मिले एवं औषध खाई से महाप्रभु जेहेतु मानव नीला कर श्रीमंदिर भितर से भाव तेल लगी फुलुरी तेल और औषध लगी महाप्रभु संपूर्ण सुस्थ होती दशमी तिथि महाप्रभु चकाभिजा कर एकादशी तिथि महाप्रभु खड़ी लगी राज वैद्य दे दशमूल महाप्रभु पाखे अर्पित कराए जहाँकि खाई महाप्रभु संपूर्ण सुस्थ हो खबर देता।